बिहार में कोरोना के संक्रमण अब कमजोर पड़ने लगे हैं, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। लिहाजा अब नीतीश सरकार की ओर से एक अच्छे फैसले लिए गए हैं। बताते चले आपको कि राजधानी पटना में दो वैक्सीन सेंटर्स ऐसे बनाए गए हैं जो 24 घंटे अब लोगों के लिए काम करेंगे। जिन्हें वैक्सीन लेना है वो आकर के 24 घंटे के दरमियान वैक्सीन ले सकते हैं। हम इस वक्त उसी वैक्सीन सेंटर के एक वैक्सीन सेंटर पर मौजूद है। ये पाटलिपुत्र अशोक है, देखिए इसके बाद एक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे भी वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं जो 24 घंटे काम करेंगे और जो लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं वो आ करके आराम से वैक्सीन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए रात का वक्त है और करीबन जिस तरह से ये कहा गया था कि वैक्सीन सेंटर जो दो बनाए गए हैं वो 24 घंटे काम करेंगे, तो लोगों की कतारें देखिए, रात हो गए हैं और अभी भी लोग पहुँच रहे हैं। चूँकि ये एक अच्छी पहल थी, क्योंकि सरकार की ओर से जो बातें कही गई थी कि रात को भी वैक्सीन सेंटर्स खुले होंगे और लोग आकर के जो वैक्सीनेशन है वो ले सकते हैं। यहाँ पर स्लॉट की जो परेशानियाँ हो रही थी, अब स्लॉट की कोई बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से लोग आकर के तुरंत यहाँ पर अपने आधार कार्ड के थ्रू यहाँ वैक्सीन ले सकते हैं। और ये देखिए तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं होटल पाटलिपुत्र अशोक के अंदर की, जहाँ पर ये 5 बनाए गए थे टीकाकरण के केंद्र और ये काउंटर्स 5 बनाए गए थे और यहीं पर लोगों को वैक्सीन दिया जाता है। और अभी करीबन देखिए रात का वक्त गुजर रहा है और अब धीरे धीरे जो लोग थे, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो दिन में नहीं आ पाए और आज पहला दिन है, पहले दिन की शुरुआत हुई है, शाम 4 बजे ही इसका उद्घाटन किया गया है। ये देखिए 5 काउंटर्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। चूँकि लोगों की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, जिसके कारण एक काउंटर्स जो हैं अभी चालू किए गए हैं और वहीं पर जो डॉक्टर्स हैं वो बैठे हैं और जो तमाम लोग हैं राजधानी वासी हैं वो आकर के सीधे तौर पर वैक्सीन ले रहे हैं, तो किसी तरह की अब दिक्कत नहीं होने वाली है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस बात की जानकारी दी थी कि अब केंद्र सरकार की ओर से राज्यों में जो है वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा, अब राज्य सरकार की भूमिका नहीं होगी। लेकिन अब जब वैक्सीन सेंटर्स 24 घंटा एक्टिव होंगे तो यही राजधानी पटना का 2 को वैक्सीन सेंटर्स है जहां पर लोगों को वैक्सीन दिए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि वैक्सीन लेने के बाद सीधे तौर पर ऑब्जर्वेशन रूम रखा गया है, वहां पर लोगों को आधे घंटे तक रोका जाएगा और वहीं से जो मॉनिटरिंग है वो की जाएगी। उसके बाद लोगों को आधे घंटे के बाद घर जाने के लिए कह दिया जाएगा। दूसरा खुराक का जब समय होगा तो वो यहीं आकर के दूसरा खुराक भी ले सकते हैं। और तमाम लोग जो हैं, देखिए किस तरह से जब लोग पहुंचे, रात का वक्त है, चूँकि हम कई तस्वीरें देखी जब दिन में लोग पहुँच रहे थे वैक्सीन सेंटर्स पर ले रहे थे, लेकिन कई जगहों पर वैक्सीन के डोज जो थे वो ख़त्म हो जा रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अगर आप राजधानी पटना में रहते हैं तो 2 वैक्सीन सेंटर्स अब आपको रात भर खुले मिलेंगे। आप आकर के अपने फ्री टाइम में अपने सहूलियत के अनुसार आकर के वैक्सीन ले लें और किसी तरह की परेशानी अब आपको नहीं होने वाली है। आगे चलते हैं, आपको देखिए यहाँ पर जो वैक्सीन लोगों को लेना है उनकी भीड़ है और जिन्होंने ले लिया है उनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। और ये देखिए किस तरह से आपने वैक्सीन ले लिया। अच्छा, ये सरकार का कैसा फैसला लग रहा है, क्योंकि 2 वैक्सीन सेंटर्स 24 घंटा एक्टिव रहने की बात है? बहुत अच्छा, बिहार सरकार का, नीतीश कुमार का बहुत ही अच्छा, मतलब ये कार्यक्रम किए हैं जो 24 घंटा सुविधा दिए हुए हैं। जो भी आदमी वंचित है, रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहा है, स्लॉट बुकिंग में बहुत परेशानी हो रही, बहुत ज़्यादा स्लॉट पर बुकिंग करके तब बुकिंग जल्दी ले ही नहीं रहा था, लेकिन अभी 24 घंटा हो जाने से बहुत सुविधा हो गया। अच्छा, अभी चूँकि वैक्सीन सेंटर्स रात में भी एक्टिव किए गए हैं और आपने रात का समय चूज़ किया है, कैसा लग रहा है और क्या फैसला देख रहे हैं सर? भीड़ भाड़ देखने के बाद हमको रात ही का समय हमको ठीक लगा और सुबह में पता नहीं भीड़ ज़्यादा हो जाए, इसीलिए हम लोग रात को ही डिसाइड किए। अभी तो हम थोड़ी देर पहले लेके गए थे, फिर मैसेज को भी लेके आए, प्रेरित किए कि भाई चलो ले लो। कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला सरकार का लिया, सरकार का अच्छा फैसला है। और सभी लोग को वैक्सीन सेंटर्स पे पहले देखा जा रहा था कि वैक्सीन का डोज जो था वो ख़त्म हो जा रहा था, अब ऐसा नहीं। हाँ, पहले के जो अपेक्षा देखा जाए अब तो बहुत सुधार आ गया है। पहले डोज ख़त्म भी हो जा रहे थे, हम तो भाई 20-25 दिन से नंबर लगाए हुए थे, अभी जा कर के हमको मिला है। बिल्कुल, देखिए लोग हैं और बिल्कुल ये जो सरकार का फैसला है इसका स्वागत कर रहे हैं। और चूंकि लोगों की वैक्सीनेशन की जो प्रक्रियाएं हैं वो रात भर चलेंगी, इसलिए जो पाटलिपुत्र अशोक राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के इलाके में पड़ता है, वहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ रही है। ले चलते हैं आपको, दिखाते हैं, यहाँ से सीधे एक ऑब्जर्वेशन रूम भी रखा गया है जहाँ पर लोगों को आधे घंटे के लिए रखा जाएगा, वहाँ पे बोला गया है रुकने के लिए।
उसके बाद सीधे तौर पर आधे घंटे के बाद वहाँ से आप घर के लिए जा सकते हैं अगर आपको किसी तरह की परेशानी नहीं है तो। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि लोगों को परेशानी देखने को मिलती है। ये एक ऑब्जर्वेशन रूम है जिसकी तस्वीरें हमने अभी से पहले भी आपको दिखाई थी, जिस वक्त ये उद्घाटन हो रहा था उस वक्त की तस्वीरें थी। अभी देखिए ऑब्जर्वेशन रूम में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन पड़ गया है और वो इंतज़ार कर रहे हैं, आधे घंटे का समय पूरा होगा तो वो घर की ओर जा सकते हैं। तो अब राजधानी पटना का दो वैक्सीन सेंटर जिसमें एक पाटलिपुत्र अशोक जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया है और 24 घंटे एक्टिव रहने की बात की गई है। अब देखने वाली बात हुई कि 24 घंटे जब एक्टिव रहने की बात की गई है तो कितने लोगों को वैक्सीन लग पाता है और कितनी जागरूकता और बढ़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।